यो इट्स रजनी इनोवेटिव एंड स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे जहां इनोवेशन की भरमार। तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप पुरानी घर में चीजों से जो पड़ी हुई रहती है ना उनको यूज करके ना आप इतनी अट्रैक्टिव चीजें बना सकते हैं और एक कॉर्नर डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास एक पड़ा हुआ था पुराना सा एक ग्लास, काफी दिनों से पड़ा हुआ था, वो शायद टूटा हुआ पड़ा हुआ है, मतलब ग्लास निकला हुआ है, तो मैंने उसको डेकोरेट किया है। इवन मैंने सोचा मिठाई के डब्बे को मैंने एक नया ही लुक दे दिया है। छोटी मोटी बॉटल्स आपके पास पड़ी रहती हैं, आप उसको मतलब इतने सिंपल सिंपल तरीकों से ना आप अपने घर को ना मतलब ऐसे चार चांद लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि मुझे पता चले कि क्या मैं अच्छा कर रही हूँ, क्या मैं बुरा कर रही हूँ, और मैं आगे ग्रो होना चाहती हूँ आपके कमेंट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू एंड बाय बाय। सो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास एक विंडो का ग्लास टूटा हुआ पड़ा हुआ था, मतलब ये निकला हुआ है, काफ़ी दिनों से ऐसे पड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका यूज़ किया जाए। ये इस तरीके का ब्लैक कलर का ग्लास है, काफ़ी लंबा है तो आपको शायद थोड़ा ही दिख रहा हो वीडियो में। तो मैं इस तरीके से मास्किंग टेप ले लूँगी और इसके ऊपर अलग अलग पैटर्न्स बनाऊँगी, जैसे कि मैं इस तरीके से यहाँ पर कुछ अनइवन से शेप बनाने वाली हूँ मैं इस तरीके से। मैं सो फ्रेंड्स इस तरीके से ये जैसे मैंने इस तरीके से कर दिया है, अब मैं यहाँ पर कर दूंगा। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने कुछ डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स ऐसे रेडी कर लिए हैं, और अब मैं इनके अंदर कुछ कलर्स करने वाली हूँ, तो देखते हैं कैसे हैं। तो कुछ मैंने इस तरीके से फैब्रिक कलर्स ले लिए हैं, कुछ लाइट कुछ डार्क इस तरीके से, और मैं इनके अंदर कलर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने सबसे पहले ये कलर ले लिया है और इस तरीके से मैं इसके अंदर कलर करने वाली हूँ। To be my own worst enemy, there's no risk if you don't try it anything, so I'ma just keep buying everything. सो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे कलर, और अभी मैं इसे ड्राई होने देती हूँ। अगर इसमें और भी एक लेयर और हमें करनी होगी, और मैं दूसरा कलर अब यहाँ पे करने वाली हूँ जो है ये पिंक कलर। तो इस तरीके से मैं ये करती हूँ। सो देखिए फ्रेंड्स हम ये कोट कर रहे हैं और इसे ड्राई होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और यहाँ पे मैंने चूज़ किया है कि ये ग्रीन कलर इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से मैं ये ग्रीन कलर कर रही हूँ। आपके पास अगर ग्लास कलर्स अवेलेबल हैं तो आप प्लीज़ उनसे करिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा दो कोट हमें ज़रूरी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अभी एक एक सिंगल कोट और डबल कोट हमने किसी किसी में कर दी है, और ये अच्छा लग रहा है काफ़ी हद तक इस तरीके से। सो फ्रेंड्स ये देखिए, हमने ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, और जो इसकी अब जो हमने ये जो टेप लगाई थी अभी से निकालना है हमको। सो फ्रेंड्स ये अब बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो मैं इस तरीके से इसको पूरा का पूरा रिमूव कर लूँगी। फ्रेंड्स तो मैंने इस तरीके से सिल्वर कलर ले लिया है, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है, तो इसमें मैंने थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स कर लिया है और ये रेडी कर लिया सिल्वर कलर, और अब मैं ये इसकी आउटलाइन जो है वो सिल्वर कलर से करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स मैं इसकी जो आउटलाइन है ना, सो आई एम जस्ट कीप ट्राइंग एवरीथिंग, सी यू इन द नेक्स्ट लाइफ टू बी अ बेटर मी, आई डोंट थिंक दैट माय हेड्स ऑन स्ट्रेट, गॉटा फ्लिप इट एंड ग्रिप इट एंड गो एंड गेट, आई डोंट रियली थिंक एनीवन कैन सेव मी, एंड ऑनेस्टली आई एम नॉट रियली श्योर आई वांट सेविंग, आई लाइक टू बी। हमने आउटलाइन कर दी है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है ना, क्योंकि पहले लग रहा था कि ये अच्छा नहीं लगेगा, बट इसकी जो शाइन आ रही है ना लाइट पे वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। सो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने एक एल्युमिनियम फॉइल ले लिया है इस तरीके से, और मेरे पास ये एक बॉटल पड़ी हुई है, तो मैं इसके अंदर इसको रैप करने वाली हूँ। तो मैं इस तरीके से यहाँ पर जितना मुझे चाहिए मैं ले लेती हूँ। Sure, I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? फ्रेंड्स ये बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गया है। अब इसके अंदर हम थोड़ी ब्लैक से
सो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नेक पे कर दिया है और सेम थोड़ा सा मैं ऐसे और करूँगी। ये हल्का हल्का सा कलर आ रहा है बट वो भी अच्छा लग रहा है। Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. Friends, ये मैं पाइन कोन जब मैं मनाली घूमने गई थी तो वहाँ से लेके आई थी, तो मैं इसको इस तरीके से सिल्वर कलर से पेंट कर रही हूँ। इसके सिर्फ अपर पोर्शन पे मैं सिल्वर कलर से इस तरीके से पेंट करूँगी। See, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk. So friends, ये देखिए मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर लिया है और मैं हल्का हल्का कहीं कहीं इसे डाल रही हूँ ताकि ये जो सिल्वर कलर का लुक है ना वो थोड़ा सा और एनहांस हो जाए। इस तरीके से मैं कहीं कहीं पे रैंडमली इस तरीके से लगा दूंगी। सो फ्रेंड्स, देखिए मैंने मिठाई का डब्बा ले लिया है जिसके मैं आउटलाइन में ये जो इसका बाहर का पोर्शन है यहाँ मैं इसको पूरा का पूरा ब्लैक करने वाली हूँ चारों तरफ से। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया है इसके कॉर्नर्स को और ये जो मिठाई का डब्बा था इसके अंदर ये इस तरीके से पहले से ही था तो मैं इसे ही इसके अंदर लगा दूंगी बट मैं थोड़ा सा इसे स्टिक कर देती हूँ ताकि ये निकले ना। I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my... अब मुझे यहाँ पर इसके चारों तरफ पतली सी लेस, मेरे पास ये गोटा पट्टी है जिसे मैं यहाँ पे सामने स्टिक कर लूंगी। Sure, I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep. Friends, ये देखिए मैंने इस तरीके की लेस ले ली है जो कि मैं इस बॉटल के ऊपर स्टिक करने वाली हूँ। And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. So friends, ये देखिए हमें ग्लू से इसके ऊपर भी मैं इसी तरीके की लेस ये लगाने वाली हूँ। Clearer, I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if... So friends, ये देखिए ये तो हो गया बट इसके ऊपर हम ब्लैक करेंगे ताकि एक सभी चीजों का एक जैसा लुक आ जाए। Worst enemy, there's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next. So friends, ये देखिए यहाँ पर तो हो चुका है बट अगर यहाँ पे करेंगे तो अच्छा लगेगा ब्लैक, इसलिए मैंने सोचा मैं एक लाइन इसकी यहाँ पर ब्लैक करूंगी। There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. So friends, ये देखिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा ग्लिटर छिड़क रही हूँ ताकि थोड़ा सा शाइनी और शिमरी सा भी इसका लुक आ जाए। तो इस सो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैंने फॉइल पेपर ले लिया है और मैं फॉइल पेपर के अंदर इस कैंडल को इस तरीके से रैप करने वाली हूँ। तो इस तरीके से हम इसको बॉटल में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पर ग्लू से ना इस के ऊपर एक कैंडल लगा दूंगी और सेम वे मैं स्पाइन कोन के ऊपर भी एक ये चीज स्टिक करने वाली हूँ। तो सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा प्यारा सा सिल्वर एंड ब्लैक कलर का डेकोर रेडी है। But I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just...